एपिसोड नंबर 148 148। भरत को अयोध्या के राजपद के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कटुवचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा? चंदु चवे परु कनल कन सुधा होई विषतूल, सपने हूँ कबहु न करही किछु भरतु राम प्रतिकूल। विधात ही दूषणु देही सुधा देखाई दीन विषु जेही, खर भरु नगर सोचु सब काहू दुसह दाहु उर मिटाऊ छाहू। विप्रबधु कुल मान्य जठेरी जे प्रिय परम कैकेयी केरी, लगी देन सिख सीलु सराही वचन बान सम लागही ताही। नृप के जी ही बिनु
राम। तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि धौ जिय भामिनी। सखी न सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित ते कछु कानन कीन है। कुटिल प्रबोधि चितव जनु बाघिनी भूखी व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी चली कहत मति मंद अभागी राजु करत यह दैन बिगोई किन्हेसी अस जस करई न कोई एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी देही कुचाली ही कोटिक गारी जरही विषम जर लेही उसासा कवनि राम बिनु जीवन आसा विपुल वियोग प्रजा कुलानी जनु जल चर गन सुखत पानी अति विषाद बस लोग लोगाई गए मातु पही राम गोसाई मुख प्रसन्न चित चौगुन जाऊ मिटा सोचु जनी राखे राम।